ऐसी हो रानी परी। हम पहले जैसे थे वैसे ही है, बदल तो आप गई है भयंकर परी। बदलना पड़ता है रानी परी, वैसे बदलना तो इंसानों की फितरत है, मगर जब से मां परी ने ये फितरत अपनाकर मेरे साथ धोखा किया है, मुझे भी बदलना पड़ा। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखती जाओ मैं क्या क्या बदलती हूं। पृथ्वी लोक का हर बच्चा मेरे वश में होगा और इस पूरे पृथ्वी लोक पर सिर्फ मेरा राज होगा। परियों और परीलों को लोग भूल जाएंगे। ना नाना नानी दादा दादी परियों की कहानियां सुनाएंगे और ना ही लोगों को परियों पर विश्वास रहेगा। तुम सब सच्चे और भले लोगों की रक्षा करती हो ना, बहुत ही जल्द मैं किसी को भला और सच्चा रहने ही नहीं दूंगी। और तुम तो जानती हो रानी परी, जो मैं चाहती हूं वो हासिल करके ही रहती हूं। सपने देखना बंद कर दो। डर गई? ओ, डरना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द पृथ्वी लोक के साथ साथ पूरे परीलोक पर भी मेरा कब्जा होगा। बस एक बार मुझे वो मिल जाए। कौन? जानती हो ना उसे? तुमने इसे किसी भी लोक में छुपा के रखा, बहुत ही जल्द मैं इसे ढूंढ निकालूंगी। याद रखना रानी परी, रानी परी, ये भयंकर परी कहां से आ गई, वो भी इतने सालों के बाद? कुछ चुनौती देकर चली गई, फिर भी रानी परी ने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? अब क्या होगा? क्या सचमुच सब लोग परियों और परीलों को भूल जाएंगे? खुश रहो बाल परी, खुश रहो। खुश रहो डुबा डुबाई, खुश रहो। है कहा बालवीर? क्यों, क्या बात है? है कहा बालवीर? है पूछा रानी परी ने। डुबा डुबाई हो क्या रहा है? थी आई भयानक लोक से भयंकर परी। भयंकर परी? हाँ। अचानक इतने सालों बाद? है पूछा बालवीर के बारे में इसलिए रानी परी ने। वो तो अपने कक्ष में होगा। होगा देखना, मुझे है आदेश रानी परी का।
मैं भी आती हूँ। बाल परी बना लीजिए अपने बाल। बालवीर, 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 बालवीर कहाँ हो आप? है नहीं यहाँ वो। कहाँ चला गया ये? रानी परी ने हमसे कहा था कि मैं उसे कभी भी मेरी आंखों के सामने से ओझल ना होने दूँ। डूबा डूबा एक। हाँ? जब भयंकर परी यहाँ आए, तो हमें तुरंत क्यों नहीं बता दिया? था साथ रानी परी के मैं, करता रक्षा कौन रानी परी की भयंकर परी से? आप रानी परी की रक्षा करते भयंकर परी से? है ढूंढते बालवीर को। बालवीर कहाँ थे आप? और ऐसा मजाक ना किया करे हमारे साथ। आपको पता है एक पल के लिए मन में कितने बुरे बुरे विचार आ गए थे। अरे माँ, आप इतने डरी हुई क्यों है? वो भयंकर, भयंकर, भयंकर क्या बोलो? डूबा डूबा एक, भयंकर कहते कहते क्यों रुक गए? अब वो गाना गाने जा रहे थे, है ना? भयंकर शब्द से गाना गाने जा रहे थे? हमने तो कभी ऐसा गाना नहीं सुना। सुनाओ सुनाओ डूबा डूबा ए, सुनाओ। हाँ सुनाता हूँ ना। भयंकर 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 हूँ मैं सबसे भयंकर, रहना मुझसे संभल कर, रहना मुझसे संभल कर। बेटा हमें वचन देना, आज के बाद आप कभी भी ऐसे छिपकर हमें परेशान नहीं करोगे। हम्म, पहले आप मुझे बताइए, हमें कहीं भी जाने नहीं मिलता, हर समय बस इसी कक्ष में रहो, क्यों माँ? गलत, आप भी तो बाहर जाते हैं परी बाग में सारी परियां और डूबा डूबा के साथ। वो तो कभी कभी। बालवीर जब सही समय आएगा ना, तब आपको आपके सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन माँ वो सही समय कब आएगा? आएगा समय पर सही। हाँ सही कहा। आप ना सिर्फ आम खाओ, गुटलियाँ मत गिनो। दो फेंक गुटली। बिल्कुल सही कहा। बेटा आम खाने के बाद अपने हाथ मुंह अच्छे से साफ कर लेना। अब हम चलते हैं। डूबा डूबा एक, बालवीर अब बड़ा होता जा रहा है, और बच्चे जब बड़े होते जाते हैं तो उनके सवाल भी बड़े होते जाते हैं। रोज बार बार मुझसे सवाल पूछता रहता है और मैं टालती रहती हूँ, लेकिन आखिर कब तक टाल पाऊंगी? बालवीर यहाँ परीलोक में कैसे आ गया? उसे भयंकर परी से क्यों बचाया जा रहा है? कभी ना कभी तो इन सारे सवालों के जवाब देने ही होंगे। डूबा डूबा एक जी, आप अभी जाकर रानी परी को ये संदेश पहुंचा दीजिए कि जितनी जल्दी हो सके हम उनसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। जी जरूर। आपकी परेशानी अपनी जगह बिल्कुल सही है बाल परी, किसी ना किसी दिन तो इतने सारे सवालों का जवाब बालवीर को देना ही होगा। अब मुझे लगता है कि वो समय बहुत नजदीक आने वाला है। लेकिन क्या बालवीर को हमारी बातों पर विश्वास होगा? उसे विश्वास दिलाना होगा, उसे समझाना होगा कि वो कोई आम बालक नहीं है, भगवान का दिया हुआ वरदान है वो। भयंकर परी से दुनिया को बचाने की क्षमता सिर्फ उसी में है।
ये उसे बताना होगा। और साथ ही भयंकर परी की सारी सच्चाई उसे बतानी होगी कि 11 साल पहले भयंकर परी हम में से ही एक परी थी, और तब उसका नाम भयंकर परी नहीं बल्कि भली परी था, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए सबसे आगे रहती थी। तराज परी, अब तुम ठीक हो? हाँ भली परी, आपकी वजह से ही तो मेरी जान बची। भली परी, हम आपका जितना भी एहसान माने उतना कम है। अगर आप वहां सही वक्त पर ना आती और हमें और पृथ्वी के बच्चों को ना बचाती तो वो बुरी शक्ति हम सबको नष्ट कर देती। इसमें एहसान मानने वाली कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही है पृथ्वी लोगों के बच्चों की रक्षा करना, है ना? तो फिर इस एहसान का नाम मत दो। भली परी, आप बिल्कुल अपने नाम की जैसे ही भली हो। भली परी, आपको पता है हमने परी माँ को बताया कि किस तरह से आपने परी लोग के बच्चों और हमारी जान बचाई, वो ये सुनकर बहुत खुश हुई है। माँ परी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। और फिर वो दिन आया जिस दिन का भली परी को सालों से इंतजार था। खुश रहो मेरी परियों, आज मैंने आप सबको यहाँ किस लिए बुलाया है ये तो आप सबको पता ही है। आज मैं परीलोक को संभालने का उत्तरदायित्व अपने कंधों से हटाकर आप में से किसी एक के कंधों पर रखने वाली हूँ। आप में से जो भी परीलोक का कार्यभार संभालने के काबिल है उसे मैं अपना मुकुट पहनाकर परीलोक की रानी घोषित करूंगी। भली परी, आप रानी परी बनने के बाद मुझे प्रधान परी बनाएंगे ना? बहुरूपी परी, ये आपने अच्छा नहीं किया माँ परी, भलाई का कोई फायदा नहीं। अब आगे देखो मैं क्या करती हूँ। उस दिन भली परी वहां से गुस्सा होकर चली गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि माँ परी ने परीलोक किसी और को सौंप दिया है। मुझे भी ऐसा ही लगा कि माँ परी भली परी को रानी बनाएगी। मैंने माँ परी से पूछा कि आपने भली परी को ताज क्यों नहीं पहनाया? तब माँ परी ने कहा कि भली परी का भलापन सिर्फ रानी बनने के लिए था,
पर उसका असली मकसद परीलोक की रानी बनकर पृथ्वी लोक पर राज करने का था। और मां परी की बात सच साबित हुई और उसके कारनामों की वजह से उसका नाम भली परी से भयंकर परी होगी। और आज भी भयंकर परी का सिर्फ एक ही मकसद है, पृथ्वी लोक पर राज करना और परी लोक का विनाश। लेकिन भयंकर परी को पृथ्वी लोक से आए एक मासूम बच्चे से क्या दुश्मनी हो सकती है? उसे तो मैं 10 साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव से लेकर आई थी। हाँ बालपरी, आप बालवीर को पृथ्वी लोक से जरूर लेकर आई थी, लेकिन आप ये नहीं जानती कि बालवीर एक आम बालक नहीं है। आपने उसके हाथ पे वो निशान देखा है? बच्चे का जन्म होते ही मां परी ने मुझे बताया कि हमें बच्चे की जी जान से रक्षा करनी होगी, क्योंकि वो एक असाधारण बालक है और भयंकर परी उसे अगवा करने की कोशिश करेगी, ताकि बाद में उसका गलत इस्तेमाल करके वो पृथ्वी लोक पर अपना राज स्थापित कर सके। हमें भयंकर परी से उस बच्चे को बचाना था, इसलिए सुनते ही मैं पृथ्वी लोक उस बच्चे को बचाने पहुंची, लेकिन मुझसे पहले भयंकर परी वहां पहुंच चुकी थी।